देश के अलग अलग हिस्सों से क्वारंटाइन सेंटरों पर असुविधा को लेकर नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। उन्नाव में एक क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों ने दरोगा पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में बनाए गए शेरपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर का है। आरोप है कि एक दरोगा ने क्वारंटाइन किए गए लोगों को धूप में मुर्गा बनाया और उठक बैठक कराई। दरोगा के इस व्यवहार पर क्वारंटाइन किए गए लोगों में नाराजगी दिखाई दी और विरोध करते हुए खाना पीना छोड़ दिया। देखने आई थी सर, उन्होंने देखा और बोले ठीक हो आप लोग। उसके बाद फिर दरोगा जी आए। कौन दरोगा? दरोगा विनोद जी। उन्होंने देखा सबको और दो आदमी हमारे जिसने लक्ष्मी शंकर और प्रमोद जी, उनको अलग खड़ा किया। उसके बाद उनसे उठक बैठक तकरीबन बोले 50 उठक बैठक लाओ और गिनती गिनो कितने तक गिन सकते हो आप। फिर उसके बाद वो धमकी दे के चले गए। और क्या हुआ तुमको सुना है कि दो लोग वहाँ चले गए उन्नाव? हाँ, दो लोग मतलब वहाँ उन्नाव, उनको फिर एम्बुलेंस बुला करके उन्नाव भिजवा दिया। क्यों भिजवा दिया? उनकी सांस नहीं रुक रही थी, मतलब किसी गिन नहीं पा रहे थे लक्ष्मी और प्रमोद। क्यों? सांस तो फूली जाएगी उनकी, जब उठक बैठक करवा रहे थे दरोगा जी, 50-50 करवाएंगे तो उठक सांस तो फूली जाएगी उनकी धूप में खड़े करके। क्वारंटाइन में रखे गए लोगों ने दरोगा पर गालियां देने के साथ धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब उठक बैठक लगाते हुए दो लोगों की सांस फूल गई तो उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। तो वहाँ पे डॉक्टर टीम से पूछताछ कर रही थी, तो हमसे डॉक्टर ने पूछा कोई दिक्कत? हमने कहा यंग में लड़के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ये बोलने लगा अपने तरीके से समझाओ या कि किसी और तरीके से समझाऊँ। फिर उसने ना फ़ोन कर दिया प्रमोसर को, उनको फ़ोन करके बुलाया। फिर उन्होंने धूम में खड़ा कर दिया, कह रहे उठी बैठ का मेरे से लगाओ, फिर कह रहे मुर्गा बनो, गालियाँ दे रहे थे मेरे को, करते देशद्रोह केस ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर। फिर भाई बोला था मेरा, यही से हुआ जी घटना। क्या फिर इसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद तो फिर आज फिर टीम आई थी, फिर पूछताछ कर रहे थे वो। फिर वो कुतवाल साहब आके डंडे से धमकी में देने लगे। कौन दरोगा थे? दरोगा का नाम विनोद, विनोद हाँ विनोद थे। वो धमकी में देने लगे, डंडा दिखाने, कहने हमारे बारे में पूछ लेना हम कितना मारते हैं। और दो लड़कों को अलग करके उनसे उठी बैठे, खाना खा के उठे थे उनको, उसको बैठाए लड़कों को उठी बैठ का लगवाने 50, फिर कह रहे गिनती गिनो 50 तक। उनसे हुआ नहीं, हफने लगे थोड़ा बहुत वो। फिर उनको कहने लगा उनके साथ इनको अलग करो, इनको दवाई लेके दिलाओ। फिर उन्होंने कॉल कर दिया 108 नंबर एम्बुलेंस आ गए, उनको उठा के यहाँ से उन्नाव शिफ्ट कर दिया। कितने लोगों को? दो लोगों को। उनके नाम? प्रमोद और लक्ष्मी शंकर। हालांकि जब उच्च अधिकारियों को क्वारंटाइन सेंटर पर जैसे ही भूख हड़ताल की खबर लगी तो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। सफीपुर सीओ ने कहा कि दो व्यक्तियों को खांसी बुखार की शिकायत के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, जिनको समझा बुझाकर दोनों लोगों को इलाज के लिए भेज दिया है। प्राथमिक विद्यालय शेरपुर खुर्द पीएस सफीपुर में जनपद से बाहर से आए हुए व्यक्तियों को क्वारंटाइन में रखा गया था, जिनके रूटीन चेकअप हेतु सीएससी सफीपुर के स्वास्थ्य कर्मियों तथा पीएस सफीपुर के पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीम द्वारा जाकर चेकअप किया गया तो दो व्यक्तियों को खांसी बुखार से पीड़ित पाया गया। दोनों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय उन्नाव भेजा जा रहा था, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। बाद में समझा बुझाकर दोनों को एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय उन्नाव उपचार हेतु भेजा गया। फिलहाल अधिकारियों ने लोगों को समझाया और मामले को शांत कराया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब क्वारंटाइन सेंटर से ऐसे मामले सामने आए हैं। जरूरत है कि इस मुश्किल वक्त में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि कोरोना से जारी जंग में हम सबको जल्दी ही जीत मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट।